वर्तमान देशवासियों के लिए यह कल्पना भी कर पाना मुश्किल होगा कि सन 1947 भारत कैसा था। तो चलिए आज हम उससे पर्दा उठाते हैं और जानते हैं कि तब भारत की दशा क्या थी। साक्षरता की बात करें तो कि आजादी के वक्त पूरे अखंड भारत में सिर्फ 12% लोग ही पढ़ और लिख सकते थे। पूरे देश में कुल 5000 हाई स्कूल थी, 600 कॉलेज और 25 यूनिवर्सिटी थी। चलो इसे थोड़ा सलीके से मुद्दे के मुताबिक समझते हैं। 1947 में भारतीय रेलवे 16 अप्रैल के दिन भारत में पहली बार मुंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच चली थी। ट्रेन चली, इस सफर में महज 33 किलोमीटर के अंतर को काटने के लिए 3 स्टीम इंजन लगाए हुए थे। फिर भी सफर को तय करने में ट्रेन को 75 मिनट लगे थे। धीरे धीरे तकनीकी सुधार होते रहे और जब अंग्रेज भारत छोड़कर गए तब पाकिस्तान और बांग्लादेश को मिलकर पूरे देश की रेलवे लाइन 65,185 किलोमीटर लंबी थी। देश की पूरी व्यवस्था देशी रजवाड़ों और प्राइवेट कंपनियों में बटी हुई थी, जिस आज़ादी के तुरंत बाद भारतीय सरकार ने अपने कंट्रोल में लेना शुरू कर दिया। किराए की बात करें तो पैसे से कुछ आने तक था। 1947 में मुंबई में कोई 204 ट्रेन चलती थी। मुंबई शहर की आबादी तब 16 लाख हुआ करती थी और उस वक्त मुंबई की सीमा सिर्फ अंधेरी तक ही थी। उसके बाद का इलाका जोगेश्वरी आउट ऑफ मुंबई में गिना जाता था। 1947 में भारतीय मोटर गाड़ी भारत सन 1947 तक भारत में हिंदुस्तान मोटर और महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी गाड़ियों का जमाना आ चुका था। यातायात की बात करें तो ओपन डबल डेकर और सिंगल डेकर बसें दौड़ती थी। किराया तब 4 आने के आसपास था और पेट्रोल के दाम 41 पैसे प्रति लीटर थे। सन 1928 में अमेरिकन कंपनी जनरल मोटर का भारत में आगमन हुआ था। जनरल मोटर के बस तभी भारत में बहुत चलती थी, लेकिन आज़ादी के बाद ही 1948 में भारत सरकार ने जनरल मोटर्स की छुट्टी कर दी, क्योंकि जनरल मोटर्स हमारी भारत की कंपनियां हिंदुस्तान मोटर्स को कड़ी चुनौती दे रही थी। लेकिन इतिहास ने अपने आप को फिर दोहराया। 50 साल बाद हिंदुस्तान मोटर ने ओपेरा कार बनाने के लिए जनरल मोटर उसके साथ मिलकर बड़ौदा के पास फैक्ट्री डाली। 1947 में भारतीय विमान व्यवहार, आपको ताज्जुब होगा कि 1947 में इंडियन नेशनल एयरवेज, इंडिया एयरवेज, हिमालय एयरवेज जैसी एयरवेज कंपनियां थी। भारत में उस वक्त इतनी सारी विमान कंपनियां होने के कारण यह है कि 1947 में द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद अमेरिका ने अपने कई सारे हवाई जहाज बेच दिए थे। कुछ धनिक भारतीयों ने उन्हें खरीदकर एयरलाइंस का बिजनेस शुरू कर दिया। कंपटीशन इतनी तगड़ी हुई थी कि ज्यादातर एयरलाइंस घाटे में आ गई। कुछ 8 एयरलाइंस का भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण करके एक नाम दिया जो था इंडियन एयरलाइंस, और टाटा एयरलाइंस का तो नाम पहले से ही एयर इंडिया का कर दिया गया था। 15 अगस्त 1947 के भारत में कुल 15 एयरपोर्ट थे। 1947 में भारतीय मुद्रा आज़ादी के वक्त भारतीय की करेंसी रुपया ही थी, पर आजकल सोशल मीडिया में बताया जाने वाला उसके रेट सही नहीं है। सोशल मीडिया पर आमतौर पर यह मैसेज वायरल होता है कि तब भारत का एक रुपया एक डॉलर के बराबर था, लेकिन वास्तव में सन 1947 में एक डॉलर बराबर भारत का 0.30 इंडियन रुपीज था। बेशक रुपया तब आज की वैल्यू के मुकाबले बहुत मजबूत था। बंटवारे के दूसरे ही दिन पाकिस्तान के सामने यह प्रश्न था कि वह अपने देश में आर्थिक व्यवहार किस मुद्रा में करे, क्योंकि तब नोट छापने की 6 प्रिंटिंग मशीन थी और यह 6 की 6 भारत की थी। इसलिए पाकिस्तान में परमिशन लेकर भारत के ही नोट पर उन्हें पाकिस्तान लिखकर अपना काम चलाया। सन 1947 में चीजों के दाम तब अच्छी क्वालिटी के 1 किलो चावल 26 पैसों में मिलते थे। शक्कर 57 पैसों किलो थी। केरोसिन 30 पैसा लीटर और 55 किलो सीमेंट सिर्फ 3 रुपए में मिलती थी। तब 1 तोला गोल्ड की कीमत 103 रुपए थी। वैसे गोल्ड की कीमत विश्व युद्ध से पहले 39 इंडियन रुपीस थी, लेकिन विश्व युद्ध के बाद उसे अचानक बढ़ा दिया गया, इसलिए ये कीमत उस वक्त के लोगों को बहुत अधिक लग रही थी। वो लगती भी क्यों ना, तब लोगों की आवक तो भी बहुत कम थी। उस वक्त भारतीयों की एवरेज इनकम सालाना, आई रिपीट, सालाना 265 रुपये थी। इतनी
कम इनकम होने के कारण ज़्यादातर लोग महंगाई कम होने के बावजूद भी उतने मज़े नहीं ले सकते थे, और आज के दौर में हम इतनी महंगाई में भी मज़े मार रहे हैं। टेक्नोलॉजी क्षेत्र में वॉशिंग मशीन, मिक्सर, घरेलू फ्रिज, कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट, टेप रिकॉर्डर जैसे 160 जीवन जरूरी आविष्कार उस वक्त ना होने के कारण उनकी जीवन शैली आज के दौर से बहुत मीठी थी। 1947 में भारतीय सिनेमा आज़ादी के साथ ही भारतीय प्रोड्यूसर ने कुल 283 फिल्म बनाई थी और एक फिल्म ऑन एवरेज 1.5 लाख के खर्च से बनी थी। बंटवारे के बाद भारत में कुल थिएटर की संख्या 1384 थी, जबकि अलग हुए पाकिस्तान में कुल 117 थिएटर थे। तो हमारे पुरखों ने जिए हुए दौर की बात आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और हम हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी इन्फॉर्मेशन चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, और हो सके तो वीडियो को लाइक शेयर भी करें। धन्यवाद दोस्तों, तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ।